सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल, आई होप यू आर डूइंग वेल। सब ठीक है, सीख ही रहना और मज़े करते रहना और लाइफ एंजॉय करते रहना। आज है रक्षाबंधन, तो रक्षाबंधन में आज एंजॉय करा काफ़ी। बाकी जो क्लिप्स हैं, वीडियो नहीं बनाई, जो क्लिप्स थी क्लिप्स आप लोग देख लीजिएगा। गाइस अभी आ चुके हैं मझावन, जो कि पड़ता है रमईपुर के आगे। तो ये एक्चुअली फूफा जी यहाँ पे आते रहते हैं, मंदिर वगैरह बना हुआ है। तो काय का मंदिर है बताओ? कृष्ण भगवान का मंदिर है। यही मंदिर है, ये हम लोग का मंदिर है। अच्छा, यही तो देखा था तो ये मंदिर हमने कहा था यही है, पहले ही बोल दिया था हमने। चलो गाइस चलते हैं और दर्शन करते हैं, आपको भी कराते हैं। पीछे मंदिर, अभी गेट की चाबी लेने गए तो मिलते हैं आपसे। ये रहा कुआं, कुआं बना हुआ है, काफ़ी गहरा कुआं है गाइस, देख रहा है आप लोग को, काफ़ी नीचे तक है। और यहाँ पे कौन कौन से देखें भगवान है। सबसे पहले आपको यहाँ गणेश भगवान मिलेंगे, और फिर ये मेन गेट है जिसके अंदर से जाते हैं, और माता जी हैं, और यहाँ पे ये अपना पीछे बाबा शिव और माता जी इधर है। अच्छा ये भी गेट, शायद यहाँ से जाना है क्या, ये गेट से शायद जाना है मंदिर अंदर। इधर गाइस फूफा जी गेट खोलना है। एक्चुअली फूफा जी का टाइट सिक्योरिटी का वो जो कीज़ हैं सारी, वो इन्हीं के पास है। अगर मझावन आप लोग आएँ तो इनसे कॉन्टैक्ट करें, मैं नंबर दे दूँगा नीचे। गाइस गेट खुल चुका है, चलते हैं फिर। गाइस ये है मंदिर, जैसे आप देख सकते हैं, ये है अपने बजरंग बली बाबा, ये है माता जी। कृष्ण भगवान की मूर्ति है,
कृष्ण भगवान बैठे हैं, राधा कृष्ण भगवान। रोडिंग करते हुए पूरा देख रहे हैं आप लोग रोड। सो गाइज अभी रुके हुए थे पीछे सब लोग, फैमिली लोग, और पानी नहीं पी रहे थे सब लोग रुक के। बाकी जिस रोड पे जा रहे हैं काफ़ी अच्छी लग रही है, और रोड भी काफ़ी अच्छी है, प्लस व्यू भी काफ़ी अच्छा है, देख ही सकते हैं आप लोग। बहुत बढ़िया व्यू भी है और रोड भी इतनी बढ़िया है। हाँ बेटा, उज्ज्वल टेक्नो हाय कह रहा है। तो अपना सब लोग खा पी रहे हैं कुरकुरे चिप्स वगैरह, और निकलते हैं फिर, रेडी हैं। मजावन में दर्शन भी अच्छे से हो गए, बढ़िया। अब जा रहे थे दूसरी तीसरी, आई थिंक 3-4 लोकेशन पे जाना है आज। तो ये तो नई रोड बनी, काफ़ी अच्छी लग रही है, देखिए बहुत चौड़ी भी है, दो लेन है इधर साइड उधर साइड। तो 3-4 लोकेशन पे जाना है करीब आज, देखते हैं कितने लोकेशन हो पाते हैं। मौसम भी इतना बढ़िया हो गया, बारिश बारिश, लेकिन अब तो हवा चल रही काफ़ी अच्छी। तो आपको फिर मिलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे। तो चलते हैं फिर, आप लोग व्यू एंजॉय कीजिए खाली, लेट्स गो। एक्चुअली पेट्रोल पंप के ठीक सामने पड़ती है, भीतर गांव वाली रोड है, इधर से आप लोग आएंगे अगर तो। ये एक्चुअली पड़ता है आपका, कौन सी रोड है ये, भीतर गांव की सबसे साण से जो रास्ता गई है, ये वहां से घाटमपुर की रास्ता गई है। तो घाटमपुर रास्ता में पेट्रोल पंप के सामने इनका पड़ता है होटल, तो यहाँ पे खाइए चाय समोसा चमोसा। तो इनका काफ़ी लाजवाब था, मज़ा आ गई। तो गाइस अपनी चाय चल रही तंदूरी चाय, और इधर सब लोग फिर से सोच रहे हैं समोसे खाने को, क्योंकि काफ़ी अच्छे टेस्ट था और चटनी वटनी इनकी काफ़ी अच्छी लगी, देख सकते हैं आप लोग। और तंदूरी चाय आपने जो वीडियो देखी जैसे काफ़ी अच्छी, मतलब यहाँ पर भी मैंने सोचा नहीं था कि तंदूरी चाय मिलेगी आपको, बाकायदा बहुत बढ़िया है, टेस्ट भी बहुत बढ़िया है, इलायची का पूरा आ रहा है फ्लेवर, मज़ा आ गई गाइस। चाय समोसे खा लिया है, अब चलते हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि आपको दिखानी है काफ़ी जानने वाली मंदिर।
पानी आता रहता है। अपने मम्मी हमको दे दिए फूल, वो भी आज तक वैज्ञानिक पता नहीं लगा कि कहाँ से पानी आता है। ये रहे बजरंगबली बाबा, जब हम लोग आए गाइस तो कुष्मांडा देवी मंदिर है इधर साइड। जब आप एंटर करोगे बाहर से तो यहाँ पे कुष्मांडा देवी मंदिर है और यहाँ पे शिवलिंग बनी हुई है, काफ़ी अच्छी लग रही है, आप लोग देखिए। एक्चुअली कुष्मांडा मंदिर जो पड़ता है ये घाटमपुर में पड़ता है, काफ़ी अच्छी लग रही है इधर साइड। इसके पश्चात फिर एक बार संयोग ऐसा बना कि कृष्ण भगवान जो है किसी कार्य से स्वर्गलोक जाते हैं, जब स्वर्गलोक जाते हैं तो खूब उनका जो है अतिथि के रूप में गए, तो खूब उनका स्वागत करवाया गया भव्य रूप से। और इसके पश्चात थोड़ी देर बाद जब उनकी विदा विदाई का जब समय आता है तो देवराज इंद्र जो है सभा में बैठे हुए थे और आपस में जो है विचार विमर्श कर रहे थे कि जो है जब हमारे स्वामी यहाँ पर आए हैं स्वर्ग लोक में, हमने उनका स्वागत तो खूब कर दाना हो, चाहे प्रत्येक कोई साधारण मनुष्य हो, यदि उसके समक्ष इस फूल को रख दिया जाए तो वह व्यक्ति सदा सदा के लिए जो है युवावस्था में ही बना रहेगा, सदा सदा के लिए अजर अमर हो जाएगा। इसलिए हमारी इच्छा है कि ये पुष्प जो है भगवान को भेंट करें। सभी देवताओं ने कहा महाराज अगर ऐसा है तो अति उत्तम। इसके पश्चात थोड़ी देर बाद जब महाराज खड़े हुए, कृष्ण भगवान जब खड़े हुए तो देवराज हाथी के पैर का जो स्थिर भाग होता है नीचे का, देखिए कम से तीन संघ बने हुए, पहला दूसरा तीसरा, हाँ ऊपर देखो, ऊपर देखो संघ बने, किसी भी शाखा का रूप देखेंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा जैसे किसी हाथी के सूंड का आकार होता है, हाथी के सूंड के समान। किसी भी शाखा का देखो ना, ये शंख नहीं दिख रहा है, गोल गोल बीच में एक दो, नीचे नीचे तीन, ये देखो ये तीन बने हुए हैं शंख। और इसकी त्वचा का जो रंग है वो भी ऐसा है जैसे कि हाथी की खाल का रंग होता है, छह महीना हरा रहता है, छह महीना पतझड़ होता है। अरे छह महीना हरा, दिसंबर तक उसके बाद ये पतझड़ हो जाते हैं, फिर इस समय पर सावन में जो ऐसा होता है। तो फैमिली हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, ये है यमुना जी। यमुना जी आप देख ही सकते हैं कितना प्यारा, कितने बढ़िया दिख रहा है। और वो रहा पुल जिस पुल से हम लोग आते हैं उधर, घाटमपुर हमीरपुर पुल। और इधर है ये वृक्ष जो कि काफ़ी मतलब माना जाता है कि हाँ ये वृक्ष का माना जाता है। एक्चुअली क्या है कि वृक्ष में आप जो मानते हैं वो पूरा होता है ऐसा पंडित जी ने बताया। प्लस वृक्ष आप देख ही रहे हैं ये अप्रॉक्स कितना मतलब बड़ा कितना है, ये कितना चौड़ा है आप देख ही रहे हैं, पूरा एक ही पेड़ है इसकी। एक्चुअली ये अप्रॉक्स 5 to 6 years हज़ार मतलब 5 to 6,000 years पुराना है ये मंदिर, ये अपना क्या कहते हैं पेड़। और इसके जो बगल में मंदिर बना हुआ है इधर साइड, तो दर्शन वर्शन कर लिए सब हम लोग को। एक्चुअली आज चार डेस्टिनेशन हम लोग की कंप्लीट हो चुकी हैं, चार जगह हम लोग घूम चुके हैं, आप लोग को दिखा चुके हैं जैसा, और मज़ा आ गई, काफ़ी ट्रिप अच्छी हुई। और आप लोग को भी आई होप अच्छा लगा होगा, तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाकी ये सब अपना ये पड़ता है हमीरपुर में पड़ता है, तो बढ़िया है, ये व्यू भी काफ़ी इधर से अच्छा आ रहा है यमुना जी का।